Hey guys, welcome to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve one of the very famous question of lead code, that is 2SUM2. Okay, ये question 2SUM से बहुत ज़्यादा similar है. The only difference over here is that the given array is in sorted form. ठीक है, जो हमारा given array है, जो हमारा input array है, वो sorted form में है और हमें यहाँ पर जो index मिलेगा ना, वो 1 से add करके हमें return करें. ठीक है, जैसे कि अगले example अपन देखते हैं, यहाँ पर input array क्या है, 2, 7, 11, 15. ठीक है, target कितना था हमारा 9. 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 आ जाता. 2SUM में हम क्या करते थे, 0 और 1 रिटर्न करते थे. ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 प्लस 1 करके रिटर्न करेंगे और 1 प्लस 1 करके रिटर्न करेंगे. एड्रेस 0 1 को हमने क्या रिटर्न किया, 1 2 रिटर्न किया. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अपन समझते हैं. यहाँ पर टारगेट क्या था, 6 है. इनपुट एरे क्या है, 2, 3, 4. 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्लस 2 इंडेक्स का एलिमेंट को प्लस कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है, दैट इज 2 प्लस 4. लेकिन हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं और 3 रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. तो हमारा ट्राई कोड देख लेते हैं. यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूशन नाम की क्लास है जिसके अंदर 2SUM करके फंक्शन है जो एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है और उस वेक्टर में हम क्या रिटर्न करेंगे, 1 2. ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन से पहले मैं ना एक डिस्क्रिप्शन में एक 2SUM का सॉल्यूशन की लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा. वहाँ पर मैंने दो तरीके बताए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है. ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको वीडियोस देखने के लिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो आप एक कोडिंग राउंड में बैठे हुए हो और आपको ये जो बेस्ट अप्रोच मैं बताऊंगा अभी वो याद नहीं आ रहा है. लेकिन आप वहाँ पर अब छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, बेस्ट अप्रोच आपको याद नहीं है, तो आपको उस मोमेंट में ये करना चाहिए कि मैं कितने भी बेस्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकूँ. बेस्ट तरीका नहीं आ रहा है तो हाँ, अगर मुझे आ रहा है कैसे भी आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व करूँ. ठीक है, तो वो दो अप्रोच आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उस मोमेंट में जब आपको अला सोल्यूशन याद नहीं आएगा सॉल्व करने को. ठीक है, तो इसलिए आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो. आप वो दो सोल्यूशन को भी अपने दिमाग में रखिए, कब कहाँ पर यूज़ करना पड़ जाए आपको भी नहीं पता. ठीक है, तो अब हम आते हैं अला सोल्यूशन में. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो पॉइंटर का यूज़ करते हैं. एक पॉइंटर जो स्टार्ट जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें पॉइंट करता है, एक पॉइंटर जो एंड है लास्ट है उसको पॉइंट करता है. एक का नाम हो गया एस, एक का नाम हो गया ई. तो अब देखो यहाँ पर सिंपल है, मुझे नहीं पता इसको मीडियम में क्यों रखा गया है. इट इज़ रियली अ बिट इजी क्वेश्चन. तो यहाँ पर अपन समझते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ई एस और ई. हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ a of s plus a of e is equal to target, हम ये चेक करेंगे if a of s plus a of e is equal to target, क्या ये true है. 21 plus 2, that is 23. हमारा target है 15, तो ये true नहीं है. हम आ गए यहाँ दूसरी condition. अभी हम ये use करेंगे if a of s plus a of e is greater than target, हाँ भाई ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई. तो हम इस मूवमेंट में क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, इन दोनों का सम कितना आया, सम आया 23. ठीक है, ये दोनों का सम कितना आया, सम आया 23, टारगेट से बड़ा है. मतलब हमें क्या करना है, हमें हमारे सम को रिड्यूस करना है. रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम लेसर वैल्यू को यूज़ करेंगे, लेसर वैल्यू को यूज़ करेंगे. यहाँ पर समझिए, हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमें वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एंड पॉइंटर है इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ई माइनस माइनस. अब हमारा ई यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, अब वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या इफ ए ऑफ एस ए ऑफ ई इज इक्वल टू टारगेट, नहीं. अब हमारा सम कितना है, 20. ठीक है, अब हमारा सम कितना है, 20 है. अभी भी सम जो है हमारा टारगेट से बड़ा है, अभी भी वाली कंडीशन ट्रू है. तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ई को डिक्रीमेंट कर देंगे. अब हमारा ई यहाँ पर पॉइंट करेगा. ठीक है, अब फिर हम वाली कंडीशन चेक करेंगे, 10 प्लस 2 12. अब हमारा जो सम है वो टारगेट से कम हो गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई. तो उस मोमेंट कंडीशन जो कि बोलती है इफ ए ऑफ एस प्लस a of e is less than target. तो अब देखो हमारा जो सम है वो भी टारगेट से कम है, मतलब हमें टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें हमारा सम बढ़ाना है, मतलब हमें ग्रेटर वैल्यूज का यूज करना है. तो हम को ये पता है हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो उस मोमेंट में हम क्या करेंगे, हम हमारे स्टार्ट को जो हमारे स्टार्ट पॉइंटर है उसे इंक्रीमेंट कर देंगे. मतलब अब हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर यहाँ पर आ गया. एक मुझे बात अब देखते हैं, अब फिर से हम वाली कंडीशन चेक करेंगे इफ ए ऑफ एस प्लस ए ऑफ ई इज इक्वल टू टारगेट, क्या
टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, हमारा सम हो गया 15। हाँ भाई ये तो बराबर है, ये वाली कंडीशन ट्रू आ गई। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्या रिटर्न करवाना है अपने को, इंडेक्स, इंडेक्स प्लस वन, तो एस प्लस वन ई प्लस वन हम ये रिटर्न करा देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अपन फिर से एक बार समझते हैं, हम शुरू में कहाँ रहेंगे, एस वाला पॉइंटर यहाँ पर रहेगा, ई वाला पॉइंटर यहाँ पर रहेगा। हम चेक करेंगे इफ ए ऑफ एस प्लस ए ऑफ ई इज इक्वल टू टारगेट, टारगेट है तो हम ये रिटर्न करा देंगे, और एल्स फिर हम ये चेक करेंगे इफ ए ऑफ एस प्लस ए ऑफ ई इज ग्रेटर देन टारगेट। हाँ यहाँ पर तो ग्रेटर था, 21 प्लस 2 इज 23, ग्रेटर था तो हमने ई को डिक्रीमेंट कर दिया, हम यहाँ पर आ गए। फिर से हम वही चीज़ को चेक करेंगे, 18 प्लस 2 इज 20, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा ज़रूर है यहाँ पर, सॉरी बराबर तो नहीं है यहाँ पर, बड़ा ज़रूर है टारगेट से, तो फिर हमने ई को डिक्रीमेंट कर दिया, हम यहाँ पर आ गए 10 में। अब हम फिर से वही चीज़ करें, 10 प्लस 2 12, बराबर तो नहीं है, बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा ज़रूर है, छोटा है तो हमने क्या किया, एस को इंक्रीमेंट कर दिया, अब हमारा एस आ गया यहाँ पर। ओके अब कितना हो गया, फिर से हमने कैलकुलेट किया, 10 प्लस 5 ए एस प्लस ए ऑफ ई, ए एस प्लस ए एस प्लस ए ऑफ ई दैट इज 15, टारगेट हमारा 15 है, सम भी 15 है, यही कंडीशन आ गई, तो फिर हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अपन इसको कोड करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कोड पार्ट। अभी अपन देखो यहाँ पर है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, पहले दो पॉइंटर थे, दो पॉइंटर अपन बना लेते हैं, एक इंट एस हो गया जो जीरो को फर्स्ट इंडेक्स पर पॉइंट करेगा, इंट हो गया ए डॉट साइज माइनस वन। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है, ये जो है लास्ट इंडेक्स पर पॉइंट, फिर में सिंपल अपने को फाइल लूप लगानी है, फाइल एस इज लेस देन ई। इसके बाद में अब अपन अपनी जो एक की दो तीन कंडीशन थी वो लगाएंगे, ए ऑफ एस प्लस ए ऑफ ई इज इक्वल टू टारगेट, ये कंडीशन अपनी चेक करी, अगर ये ट्रू हो गया रिटर्न हो गया सिंपल, एस प्लस वन ई प्लस वन। नाउ एल्स इफ ए ऑफ एस प्लस ए ऑफ ई इज ग्रेटर देन टारगेट, अगर ये टारगेट से बड़ा है तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर आएगी सेकेंड वाली कंडीशन, यहाँ पर अपन ई को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ई को डिक्रीमेंट कर दिया। फिर जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, इफ ए ऑफ एस प्लस ए ऑफ ई इज लेस देन टारगेट, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने सम को इंक्रीमेंट कर दिया सिंपल, अपन आ गए यहाँ पर बाहर, यहाँ पर मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, एम्प्टी वेक्टर। देखो अब ना मैं एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करूँ, क्या मैं उस वेक्टर में 1 1 रिटर्न करूँ, 2 2 रिटर्न करूँ, 1000 1000 रिटर्न करूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। क्यों फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देयर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ज़्यादा करेगा अपने को वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टेस्ट केस ऐसा बनाया गया कि सिर्फ एक सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा, तो वो सोल्यूशन यहाँ पर मिलना ही मिलना है। ठीक है, वो सोल्यूशन अपने को यहाँ पर मिलना ही मिलना है, तो यहाँ ये वाला कोड कभी रन नहीं होगा, लेकिन रिटर्न टाइप वेक्टर है, अपन यहाँ पर रिटर्न नहीं करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए यहाँ पर एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर दे। ठीक है, ये अपना हो गया कोड, अपन इसको रन करके देखते हैं। देखो रन हो गया, ये यूनिट टेस्ट केसेस पास हो गए, अपन इसको करेंगे सबमिट, सबमिट क्या, देखो सबमिट भी हो गया अच्छे से। ठीक है, समझ आई आप लोग को ये चीज़ अच्छे से। ओके अब ना इसकी अपन एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन होगी, दैट इज कॉन्स्टेंट। जो टू सम में जो सोल्यूशन है उसमें पहले सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर, दूसरी की है बिग ऑफ एन, लेकिन उसमें अपन एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं एन का। ठीक है, बिकॉज अपन वहाँ पर हैश मैप यूज़ करते हैं। ये वाला जो सोल्यूशन है ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये वाला जो सोल्यूशन है ये सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में है, जो लीड कोड और कोड फोर्सेस के साथ में जूझ रहा है। ठीक है, तो क्या, और अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जिसमें कुछ कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी आप लिंक कॉमेंट में ड्रॉप कर दीजिए या तो फिर क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नेम के साथ उसे ड्रॉप कर दीजिए, विल डेफिनेटली डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।